हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल आपको डेली बेसिस पे नई नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की जैसे अपडेट देता है, तो उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, जोश एवं जज्बे वाली वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो आप सभी युवा साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, इसके द्वारा आप सभी के लिए हेड कांस्टेबल एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर जैसे पोस्ट के लिए शानदार अपडेट लेकर आ गए हैं। तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है और इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके लिए, और कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी डिवाइड की गई है, उसमें आपके लिए एप्लीकेशन फी कितना है और आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एक एक स्टेप की जानकारी मिलने वाली। इसलिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार की इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और देते हैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते हैं कौन से पोस्ट के लिए है इसमें। तो ये इस जो वैकेंसी है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके लिए सब इंस्पेक्टर SI के लिए है और हेड कांस्टेबल के लिए। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के लिए है। तो इसमें मेल एवं फीमेल, महिला एवं पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, इंडिया के आप किसी भी स्टेट, किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट विल लायबल टू बी रिजेक्टेड। ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ऑफिशियल www.crpfindia.com और www.crpf.nic.in थ्रू लिंक रिक्रूटमेंट व्यू ऑल मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई। तो फ्रेंड, इसमें कौन से पोस्ट के लिए है ये ऑलरेडी आपको बताया गया, ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसी है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल एवं फीमेल कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये दिया हुआ crpfindia.gov.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप विजिट कर सकते हैं crpf.nic.in, या एक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in। तो ये तीन ऑफिशियल वेबसाइट में से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आगे आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वैकेंसी नोटिफाइड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, तो कितना वैकेंसी इसमें आपको डिवाइड किया गया है। देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 143 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 58 है, EWS के लिए 14 पोस्ट है, OBC के लिए 39 पोस्ट, SC ST कैंडिडेट के लिए ये देखिए 21 एंड 11 पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 532 यानी 532 पोस्ट है, EWS के लिए 132 है, और OBC के लिए 355 पोस्ट है, और ST के लिए 197 पोस्ट, और ST कैंडिडेट के लिए 99। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है ये देख सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 143 पोस्ट, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए दिया 1315 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एवं हेड कांस्टेबल की टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये आप देख सकते हैं कितने पोस्ट के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है, यानी कि
ओ सॉरी 1458 1458 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए यहाँ पे दिया द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज आर डिक्रीज एट एनी टाइम एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव है और इसमें इसकी जो वैकेंसी में आपको घटाया भी बढ़ा घटाया और बढ़ाया जा सकता है इसके वैकेंसी के नंबर को। और देखिए फ्रेंड दिया है इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी एएसआई के लिए जो वैकेंसी है इसमें पे लेवल 5 है और इसमें देख सकते हैं 29,200 पर मंथ है। और देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ से लेकर आपको 92,300 यानी कि 29,200 से लेकर 92,300 तक की सैलरी आपको पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी एएसआई के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए देखिए 25,500 स्टार्टिंग सैलरी से लेकर 81,100 रुपए तक की सैलरी है इसमें। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया एज लिमिट जो है कैंडिडेट की एज लिमिट जो होनी चाहिए एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 to 25 ईयर यानी मिनिमम एज 18 ईयर मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। और दिया हुआ है जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो किया जाएगा लास्ट डेट यानी 25 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगा ये लास्ट डेट जो दिया इसके अकॉर्डिंग आपकी एज इसके इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। और दिया हुआ है कैंडिडेट शुड बी बॉर्न नॉट बिफोर 26 जनवरी 1998 एंड आफ्टर 25 जनवरी 2025। तो दिया हुआ है ये कि आपका जन्म जो होना चाहिए 26 जनवरी 1998 के पहले नहीं हुआ होना चाहिए और ना ही आपके 25 जनवरी 2005 के बाद हुआ होना चाहिए। और देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है आपको कितना किस कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है आगे बताने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 आर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम बोर्ड आर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे तो ऑलरेडी आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन मस्ट हैव सबमिटेड ऑनलाइन मोड कैंडिडेट कैन सबमिटेड दियर एप्लीकेशन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट www.crpfindia.com एंड www.crpf.nic.in। तो ये दो वेबसाइट पे लिंक दी रहेगी यहाँ से आप विजिट कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 4th January 2023। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 January 2023 को। तो ये इस नए साल में आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और इस बहुत ही शानदार ग्लोरियस जोश एवं जज्बे वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लीजिए। तो आगे क्या है इन्फॉर्मेशन उसे देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें देखिए किस कैटेगरी के लिए ये नोटिस दिया एडवर्टाइजमेंट नोटिस में आपको इम्पोर्टेंट डेट जो दिया है ये देखिए दिया स्टार्टेड डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए स्टार्टिंग डेट दिया है 4th January 2023। 4 January से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट ऑनलाइन आपका फॉर्म रिसीव करने के लिए या लास्ट डेट जो दिया एप्लीकेशन और फी पेमेंट के लिए वो है 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिलीज एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका सीबीटी एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 फरवरी 2022 यानी 15 फरवरी तक इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका एग्जाम कब शेड्यूल किया गया है कब इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ये एक टेंटेटिव है यहाँ पे यानी संभावित डेट जो है 22 ये दिया हुआ है 22 से लेकर 28 फरवरी 2023 है यानी कि फरवरी या मार्च तक। तो ये तो क्लियर है कि इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे दिया 22 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका एग्जाम होने वाला है ये एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड आगे क्या है जानकारी दे देते हैं आपको इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी ऑलरेडी इसकी जानकारी आपको दे चुके हैं ये 29,200 से लेकर और इसकी 25,500 दिया सब ये हेड कांस्टेबल के लिए दिया हुआ है। वैकेंसी के इस प्रकार डिवाइड किया गया इसकी भी जानकारी आपको दे चुके हैं आपकी इसमें नेशनलिटी या राष्ट्रीयता या सिटीजनशिप आपकी क्या होनी चाहिए ये दिया हुआ है आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। एज लिमिट की भी जानकारी आपको दे चुके हैं कि मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर ये जो दो डेट दिया इन डेट के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच हुआ होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी किस कैंडिडेट को कितना दिया गया है कैटेगरी वाइज दिया है एससी एसटी कैंडिडेट को दिया हुआ है
5 साल के अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन या छूट दी जा रही है, ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको भी 3 ईयर का दिया जा रहा है रिलैक्सेशन। और देखिए चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम किल्ड इन 1940 रियॉर्ड्स कम्युनिकेशन रियॉर्ड 2022 इन गुजरात 5 ईयर, तो इसमें दिया जा रहा उन कैंडिडेट को भी छूट दी जा रही 5 साल की जिनके पेरेंट्स या माता पिता या कोई भी सदस्य ये दिया 1994 के रियार्ड्स में मारे गए हैं उनके लिए भी। और दिया हुआ है ये दिया है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम 19 रियार्ड्स कम्युनिकेबल रियार्ड्स, इसमें भी ओबीसी के लिए 8 साल के लिए, SC ST कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड आगे क्या है इसकी जानकारी और दे देते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन नॉट एडमिशनल सन डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन, देयर फोर सच ए कैंडिडेट शुड नॉट बी इंडिकेटेड देयर कैटेगरी एस एक्स सर्विस मैन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सर्विस मैन है या गवर्नमेंट है रिटायर्ड हैं उनके लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो एक्स सर्विस मैन है उनके अगर सन है यानी कि उनके बेटा है बेटी है उन कैंडिडेट के लिए एज में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे की जानकारी देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड इसमें आपको इसकी भी जानकारी दे चुके हैं कि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए होना चाहिए, 10+2 किसी भी स्टेट से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिए दिया हुआ है नोट में 2 or 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10th क्लास इज नॉट इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट। यदि आपके पास हाई स्कूल पास होने के बाद कोई भी 2 या 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा इंटरमीडिएट के लेवल का हो चुका है डिग्री, तो ये आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, केवल आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और क्या है जानकारी दे देते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये आपको जानकारी दे चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट ये दिया हुआ है 25 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी किस कैटेगरी से कितना लिया जा रहा है। तो देखिए इसमें एग्जामिनेशन फ़ी ₹100 फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC ओनली। तो इसमें जो ₹100 एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है केवल जनरल कैंडिडेट और EWS और OBC कैंडिडेट से लिया जा रहा है। और देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्ट। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी से हो, एक सर्विस मैन है, SC ST कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। आप ऑनलाइन मोड में जैसे कि भीम UPI से, नेट बैंकिंग है UPI ये, और बाय यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट दिया हुआ एप्लीकेशन फ़ी रिसीव करने के 25 जनवरी 2023 दिया हुआ है। सेंटर और एग्जाम सिटी आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है ये देखिए फ्रेंड दिया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, अमालापुरम दिया हुआ है, तो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी आपका एग्जाम सिटी देखने को मिल सकता है एग्जाम सेंटर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे यहाँ दिया है जैसे, तो आप फॉर्म फिलअप करते समय मैक्सिमम 3 सिटी चूज कर सकते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, 3 सिटी चूज कर सकते हैं, और एक बार चूज कर लेते हैं या एक बार जिसको सिलेक्ट कर देते हैं वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड यहाँ पे और दिया हुआ एग्जाम के लिए क्या दिया है शेड्यूल, आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या स्कीम है क्या योजना है उसकी जानकारी देते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME, ऑल दीज स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, डिटेल ऑफ दीज पेपर टेस्ट इज एज फॉलो। तो देखिए फ्रेंड इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस कितने स्टेज में होगा, इसके चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें देखिए आपको 3-4 स्टेज में एग्जाम होगा, जैसे कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपकी टाइपिंग ली जाएगी, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड है उसके लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, डिटेल होगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारे स्टेज यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका
सिलेक्शन क्लियर है तो इतने स्टेज में होगा आपका। और देखिए इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कितना टाइम होगा ये देखिए। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंजिस्ट वन पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इन 1 hour एंड हाफ आवर्स और 90 minutes। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको 90 minutes टाइम दिया जाएगा या आप कह सकते हैं 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन होगा देख सकते हैं, इसमें आपको सेक्शन दिया होगा, 4 सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम जो होगा टेंटेटिव एग्जाम डेट जो होगा 22 से लेकर 28 फरवरी 2022 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सेक्शन ए में देखिए आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑप्शनल है आप हिंदी का करते हैं या इंग्लिश का। इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बी सेक्शन से जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंट या रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन होगा और जिसमें आपको 90 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड एग्जाम के लिए। और देखिए स्किल टेस्ट जो होगा आपका यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड, जैसे ASI स्टूडेंटों के लिए, ये केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है, आप इसमें क्वालिफाई कीजिए, इसका मार्क्स आपके लिए नहीं जुड़ेगा। ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाइड CBT शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट स्किल टेस्ट और टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज अ वेरियस सेंटर ऑफ CRPF। तो इसमें जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन्हीं को आगे ये दिया स्किल टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर सेंड किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और आगे देखिए फ्रेंड आपको इसमें स्किल टेस्ट के लिए क्या शेड्यूल किया गया है, इसमें देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड होगा इसका ASI के लिए। तो इसमें देखिए डिक्टेशन दिया हुआ 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट। तो इसमें आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया हुआ 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, इसमें ये आपको स्पीड होनी चाहिए। स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड ये कंप्यूटर फॉर द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए यानी 35 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए स्पीड। और हिंदी के लिए भी दिया हुआ है 30 वर्ड पर मिनट यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए और दिया हुआ है पर मिनट। यहाँ पे देखिए 30 वर्ड पर मिनट्स इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर्स यानी 1 घंटे में आपको 10,500 वर्ड आप टाइप कर लेते हो इंग्लिश में। और हिंदी में दिया है 9,000 की डिप्रेशन पर आवर्स, 1 घंटे में आपको हिंदी में कम से कम 9,000 वर्ड टाइप कर लेते हो विद एवरेज ऑफ 5 कीवर्ड डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑफ कंप्यूटर, ये दिया था स्किल टेस्ट के लिए थी। अब देखिए फ्रेंड आगे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दे देते हैं यानी कि आपको मेजरमेंट में देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके पास कैटेगरी के वाइज देखिए मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एज सीरियल नंबर 2 एंड सीरियल नंबर 3। तो देखिए इसमें मेल कैंडिडेट यानी कि ये पुरुष कैटेगरी के लिए हाइट कितना होना चाहिए उन कैंडिडेट के लिए जो कि इस जो सेकेंड दिया हुआ है सीरियल नंबर 2 इस प्लेस से जो हटकर हैं यानी कि जैसे कि ये है गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा मराठा और कैंडिडेट को छोड़कर और बिलोंगिंग टू सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मेघालय असम हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरेटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाले स्थान से छोड़कर सभी कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 165 यानी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट होना चाहिए मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और स्पैंड करने के बाद यानी कि आपको चेस्ट को फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर आपका पुल होना चाहिए। और देखिए ये जो स्थान से बिलोंग करते हैं जैसे कि ये जो जनजाति लोग होते हैं उनके लिए दिया है या गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा इन कैंडिडेट के लिए या सिक्किम नागालैंड और मणिपुर वाले प्लेस से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके इनमें चेस्ट दोनों के लिए सेम है चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए ऑल कैंडिडेट जो
एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए फीमेल कैंडिडेट एंड एग्जेप्ट दोज लिस्टेड एज सीरियल नंबर वन, तो इसमें ऑल फीमेल कैंडिडेट की जो चेस्ट वो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उन फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जम्मू कश्मीर से जो फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करती हैं उनके लिए दिया हुआ हाइट 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल, इसमें चेस्ट नहीं उनका मेजरमेंट किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट, उनकी भी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड, और देख लेते आगे क्या है जानकारी। और देखिए फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या आईडी प्रूफ ले जाना होगा, जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और जिनका ये होगा सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए उनको ओरिजिनल सारा कुछ ले जाना होगा, ये दिया हुआ है क्या क्या ले जाना होगा, जैसा कि देख सकते हैं आधार कार्ड प्रिंट आउट, ई आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल आईडी, एम्प्लॉयमेंट आईडी होनी चाहिए, यानी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इशूड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दिया हुआ। और कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट जैसे मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और दिया ऑर्डर लेटर रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटिंग द अथॉरिटी नंबर ऑफ डेट, ये दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपको ले जाना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और देखिए फ्रेंड मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस मोड में होगा, देखिए इसमें रिटर्न एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना होगा, इतने मार्क्स गेन करने होंगे, ये दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज फॉलो, अनरिजर्व कैंडिडेट को 40% गेन करना होगा रिटर्न एग्जाम में यानी कि सीबीटी एग्जाम में, और EWS, OBC, SC, ST या कैंडिडेट को 35% आपको मार्क्स लाने होंगे, मार्क्स स्कोर्ड कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल भी ये दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड, और देखिए ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड जो CRPF द्वारा रिलीज की गई है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए। तो फ्रेंड आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी आपको, और देखिए फ्रेंड लास्ट में आपको ये बता देते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कैसे करना है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए crpf.gov.in, जैसे कि ये देख सकते हैं हाईलाइट है, आप ऐसे टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, जैसे ही सर्च करेंगे फ्रेंड इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये देखिए पेज ओपन हो चुका है। यदि आप इंग्लिश में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड जैसे ही आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी ये दिया कंफर्म कीजिए इंग्लिश में हो जाएगा। तो जैसे इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये दिया हुआ है। तो अब देखिए फ्रेंड इसका जैसे ओपन हो जाता है आपको इसके रिक्रूटमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, आपको स्लाइड करना है ऐसे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ है, नीचे स्लाइड करते जाइए, यहाँ पे दिया हुआ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे दिया एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया, लास्ट डेट दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही करेंगे फ्रेंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा और आप इसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किए हैं ये दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन है, रेफरेंस दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट कौन से पोस्ट के लिए है, यहाँ पे PDF पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक किए PDF पे ये ओपन हो गया जैसे कि आपको जानकारी दिए थे। तो आप यहाँ से अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए डाउनलोड पर और डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड आज की जानकारी कैसे लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि इंफॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जैसे ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।